पाकिस्तान आर्मी चीफ और आईएसएस चीफ बाजवा ने अपने मंत्रियों को धमकी दी, वार्निंग दी कि वो कोई भी ऊटपटांग बयान ना दे, कोई भी स्टेटमेंट ना दे, अगर वो कोई भी फालतू का स्टेटमेंट देते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बाजवा ने अपने मंत्रियों को धमकी दी? ऐसा हो रहा है अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहे और उसको कोई नया सैन्य अड्डा चाहिए जिस वजह से वो रशिया और चाइना के ऊपर नजर रख सके। वो अफगानिस्तान से रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर नजर रख रहा था पर वो वहां से अब निकल रहा है तो उसको एक नया आर्मी बेस चाहिए। उसके साथ निकल के आया कि पाकिस्तान में वो अपना आर्मी बेस बनाए। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है इमरान खान सरकार के ऊपर कि वो हमें वहां पे एक बेस दे दे, पर इमरान खान परेशान है चाइना की वजह से। चाइना चाहता है कि वो अमेरिका को पाकिस्तान में एक भी बेस ना दे, तो पाकिस्तान इस हालत में फंसे, एक तो ना अमेरिका को भी ना नहीं बोल सकते और चाइना को भी ना नहीं बोल सकते। इस बीच इमरान खान की सरकार फंस चुकी है और आर्मी चीफ भी परेशान हो चुके, जिस वजह से आर्मी चीफ ने अपने मंत्रियों को धमकी दी कि कोई भी उटपटांग बयान ना दे।